हम लोग गणितीय आगमन का सिद्धांत चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध कीजिए कि सभी n बिलोंग टू कैपिटल N यानी सभी प्राकृत संख्या के लिए 1/2 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 8 प्लस 1/8 इंटू 11 प्लस डॉट डॉट अंतिम वाला पद है 1/3n-1 इंटू 3n+2 दिस इक्वल टू n/6n+4। ये हमको क्या करना है, प्रूव करना है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो दिया गया कथन होता है उसको Pn मानते हैं और n=1 के लिए हम लोग चेक करते हैं कि ये हमारा दिया गया कथन n=1 के लिए सत्य है कि नहीं। फिर हम लोग क्या करते हैं, n=k के लिए दिया गया कथन सत्य मान लेते हैं और उसकी हेल्प से n=k+1 के लिए हम लोग सत्य सिद्ध करते हैं। n=k+1 के लिए सत्य सिद्ध हो जाने के बाद हम लोग कहते हैं कि ये सभी प्राकृत संख्या के लिए सत्य है। तो पहला स्टेप हमारा क्या होता है, जो दिया गया स्टेटमेंट होता है इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, Pn। तो 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस डॉट डॉट 1/3n-1 3n+2 इक्वल टू n/6n+4। अब हम लोग क्या देखते हैं, n=1 के लिए P1। तो n की वैल्यू जब 1 होगी तो ये बायां पक्ष हमारा क्या रहेगा, केवल एक पद मिलेगा। ये चाहे यहाँ पे आप n की वैल्यू 1 रखें तो 3 × 1-1 2 हो गया, 3 × 1+1 5 हो गया, तो ये 1/2 × 5। दायां पक्ष n=1 रखें तो 1/6 × 1+4, तो ये हमारा क्या हो गया 1/2 × 5 और ये 1/6 × 4 = 10। तो दोनों हमारा क्या है, बराबर हैं। इससे हमको क्या पता चला कि n=1 के लिए जो है दिया गया कथन सत्य है। अगला स्टेप हम लोगों का क्या रहता है, हम लोग मानते हैं कि माना n=k के लिए दिया गया कथन सत्य है। माना n=k के लिए दिया गया कथन सत्य है। n=k के लिए इसका मतलब क्या हो गया कि अर्थात pk जो होगा हमारा वो क्या है, सत्य है। ये हम लोग मान के चलते हैं pk। तो pk हमारा क्या होगा, n की जगह पे जो हमारा ओरिजिनल फार्मूला है उसमें n की जगह पे k रख देते हैं। तो 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस डॉट डॉट लास्ट वाला टर्म, n की जगह पे हम लोग k रखेंगे तो 3k-1 और ये 3k+2 और यहाँ n की जगह पे k रखेंगे तो k/6k+4। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं क्योंकि इसका हम लोग यूज करेंगे। अब अगला स्टेप हमारा क्या है, हमें n=k+1 के लिए सत्य सिद्ध करना है। अब हमें n=k+1 के लिए सत्य सिद्ध करना है, यानी n=k हमको सिद्ध क्या करना है कि n=k+1 के लिए, तो n=k+1 जो हम लोग रखेंगे तो pk+1 हमारा क्या हो जाएगा 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस, अब n=k+1 रखेंगे हम लोग इसमें तो ये 3n-1 है, तो n की जगह पे क्या रखेंगे k+1-1, ठीक है। यहाँ पे n की जगह पे k+1 तो 3 × k+1-1 फिर 3 × k+1+2 और यहाँ पे n की जगह पे k+1 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा k+1/6 × k+1+4। यानी जो अगर pk+1 को हम लोग थोड़ा सा और सिंपलीफाई करके लिखें तो 1/2 × 5 प्लस 1/5 × 8 प्लस 1/8 × 11 प्लस डॉट डॉट और लास्ट वाला पद हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा 3k+3-1। तो 3k+3 से 1 घटाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3k+2 और ये 3k+3+2 यानी 3k+5 हो जाएगा और दिस इक्वल टू हमारा जो राइट हैंड साइड है
राइट हैंड साइड को हम लोग ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, के प्लस वन अपॉन सिक्स इंटू के प्लस वन प्लस फोर, यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है, ये हमको सिद्ध करना है। अब हम लोग क्या करते हैं, पी के जो हमारा है ये लेके चलते हैं, और इसमें पी के प्लस वन का जो अंतिम पद है यानी ये हम लोग दोनों पक्षों में जोड़ देते हैं ये, तो पी के हम लोग क्या लिखेंगे, समीकरण एक से क्या लिखेंगे हम लोग, समीकरण एक जो एक से हम लोगों का जो पी के है यानी वन बाई टू इंटू फाइव प्लस वन बाई फाइव इंटू एट प्लस वन बाई एट इंटू एलेवन प्लस डॉट डॉट, ये हमारा कहाँ तक है, थ्री के माइनस वन इंटू थ्री के प्लस टू, दिस इक्वल टू हमारा क्या है, के बाई सिक्स के प्लस फोर, ये हम लोगों ने लिख लिया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में जो हमारा पी के प्लस वन का अंतिम पद है यानी पी के प्लस वन, देखिए अंतिम पद ये क्या है, वन अपॉन थ्री के प्लस टू इंटू थ्री के प्लस फाइव, यही दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो हम लोग लिखेंगे दोनों पक्षों में, और ये सब क्वेश्चन में ऐसे ही हम लोग करते हैं, दोनों पक्षों में वन अपॉन थ्री के प्लस टू इंटू थ्री के प्लस फाइव जोड़ने पर, क्योंकि अगर ये और ये पहले बराबर थे तो इतना जोड़ देने पर दोनों पक्षों में तब भी बराबर होंगे जोड़ने पर, तो ये हमारा हो जाएगा वन अपॉन टू इंटू फाइव प्लस वन अपॉन फाइव इंटू एट प्लस वन अपॉन एट इंटू एलेवन प्लस डॉट डॉट वन अपॉन थ्री के माइनस वन थ्री के प्लस टू, ये तो हमारा था ही। अब हम लोगों को जो जोड़ना है, वन अपॉन थ्री के प्लस टू इंटू थ्री के प्लस फाइव, ये हम लोग जोड़ते हैं, दिस इक्वल टू के अपॉन सिक्स के प्लस फोर और प्लस जो हम लोगों ने जोड़ा है वन अपॉन थ्री के प्लस टू और थ्री के प्लस फाइव। अब इसको हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, वन अपॉन टू टू फाइव प्लस वन अपॉन फाइव इंटू एट प्लस वन अपॉन एट इंटू एलेवन, और ये हमारा कहाँ तक गया, वन अपान अंतिम वाला पर लिख देते हैं, थ्री के प्लस टू इंटू थ्री के प्लस फाइव, दिस इक्वल टू। अब हम लोगों का राइट हैंड साइड सॉल्व करके जो पी के प्लस वन का था वही हमको लाना है, तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से टू जो है इससे कॉमन ले लेंगे तो ये थ्री के प्लस टू हो जाएगा, तो के अपान यहाँ से जो है अगर हम लोग टू कॉमन कर लें तो ये क्या हो जाएगा, थ्री के प्लस टू और प्लस वन अपान थ्री के प्लस टू इंटू थ्री के प्लस फाइव, तो वन अपान थ्री के प्लस टू जो है यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये हम लोग कॉमन कर लेते हैं वन अपान थ्री के प्लस टू, तो यहाँ क्या बचेगा, के वाई टू और यहाँ क्या बचेगा, वन अपॉन थ्री के प्लस फाइव। अब हम लोग इसमें आगे बढ़ाते हैं, ये हमारा वन अपॉन थ्री के प्लस टू तो ऐसे रहने देते हैं और बाकी इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, के इंटू थ्री के प्लस फाइव प्लस टू बाई टू इंटू थ्री के प्लस फाइव, ये हम लोगों ने क्या कर दिया, तिरछा गुणा करके सॉल्व कर रहे हैं कि k इंटू थ्री के प्लस फाइव प्लस टू इंटू वन अपान टू इंटू थ्री के प्लस फाइव, दिस इक्वल टू वन अपान थ्री के प्लस टू तो हमारा है ही, और k इंटू थ्री के प्लस फाइव ये हमारा क्या हो जाएगा, इसको एक ब्रेकेट में कर लेते हैं, ये हमारा हो जाएगा थ्री के स्क्वायर k से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस फाइव के प्लस टू ऊपर हो गया अपान टू इंटू थ्री के प्लस फाइव। अब थ्री के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस टू का हम लोग यहाँ पे फैक्टर देख लेते हैं, थ्री के स्क्वायर प्लस फाइव के प्लस टू, तो थ्री के स्क्वायर तीन दूनी छः और ये हमारा क्या हो जाएगा, तीन दो पाँच, तो पाँच को हम लोग थ्री के प्लस टू के लिख देते हैं प्लस टू, तो थ्री के कॉमन कर लिए तो यहाँ से के प्लस वन और प्लस टू कॉमन कर लिए तो यहाँ के प्लस वन और पूरे से के प्लस वन कॉमन कर लिए तो एक ब्रैकेट में के प्लस वन एक ब्रैकेट में थ्री के प्लस टू, यानी जो हमारा इसका फैक्टर हो गया
ये तो पहले से है, और 3k² + 5k + 2 की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, k+1 × 3k + 2 बाई 2 × 3k + 5 हमारा पहले से था। अब ये 3k + 2 हमारा कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो गया, k+1 / 2 × 3k + 5। ये हमारा है k+1 × 3k + 2, तो k+1 इसको थोड़ा सा और हम लोग दिखा देते हैं, क्योंकि हमको लाना क्या है, हमको लाना ये है, इस टाइप का दिखाना है, k+1/6 × k+1 + 4। तो इसको हम लोग उस टाइप का दिखाते हैं, तो ऊपर तो k+1 हमारा आ ही गया, और नीचे हमको क्या लाना है, 6 × k+1 यानी 6k + 6। तो ये हमारा क्या है, गुणा करेंगे तो 6k + 10 होगा, ये हमारा 6k + 10, तो 10 को हम लोग 6 + 4 लिख दिए। दिस इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, k+1/6, इन दोनों से कॉमन कर लिए, तो 6 × k+1 + 4 ये हमारा आ गया। और यही हम लोगों का क्या है, हमारा pk+1 का राइट हैंड साइड हमारा आ गया, k+1/6 × k+1 + 4। यानी हम लोग अब कहेंगे कि n = k+1 के लिए दिया गया, ये हम लोगों ने फैक्टर किया था, तो हम लोग क्या कहेंगे कि n = k+1 के लिए सत्य है, क्योंकि हम लोगों ने दिखा दिया ना कि ये n = k+1 के लिए सत्य है जो सिद्ध करना था। अतः सभी n = n के लिए दिया गया कथन क्या है, सत्य है। ये बायां पक्ष हम लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिया है, ये भी लिखते चले जाना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 हम लोगों का हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं 11। इलेवन नंबर हम लोग देखते हैं, 11 में क्या है हमारा, प्रूव करना है गणितीय आगमन सिद्धांत से 1/1 × 2 × 3 + 1/2 × 3 × 4 + 1/3 × 4 × 5 + लास्ट वाला टर्म है 1/n (n+1) (n+2). दिस इक्वल टू हमको सिद्ध करना है n × n+3/4 (n+1) (n+2). तो सबसे पहला स्टेप हम लोगों का क्या होगा, जो दिया गया कथन है उसको हम लोग क्या मानेंगे, Pn। तो Pn हमारा हो गया 1/1 × 2 × 3 + 1/2 × 3 × 4 + 1/3 × 4 × 5 + (n×n+1) (n+2). दिस इक्वल टू n × n+3/4 (n+1) (n+2). अब n = 1 के लिए हम लोग चेक करते हैं कि सत्य है कि नहीं। तो p1 हमारा क्या हो जाएगा, बायां पक्ष 1/1 × 2 × 3, क्योंकि n = 1 रखेंगे तो केवल एक ही टर्म मिलेगा। राइट हैंड साइड में n = 1 रखें, 1 × 1+3/4 × 1+1 × 1+2। अब ये हमारा जो P1 का जो बायां पक्ष है 1/6 हो गया, और ये हमारा क्या हो गया, 3 + 1 = 4, 4 कैंसिल हो गया, और 1/1 + 1 = 2 हो गया, और ये 3 × 1/6, तो वो दोनों बराबर है। तो हम लोग क्या कहेंगे, n = 1 के लिए सत्य है। अगला स्टेप हम लोगों का क्या होगा कि हम लोग क्या कहते हैं कि माना n = k के लिए दिया गया कथन सत्य है। माना n = k के लिए दिया गया कथन सत्य है। n = k के लिए का मतलब क्या होगा कि अर्थात pk जो हमारा क्या है, अर्थात pk जो है ये क्या है, सत्य है। तो pk हमारा क्या होगा,
एन बराबर हम लोग इसमें क्या रख देंगे, के। तो पहला वन अपान वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस वन अपान टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस वन अपान थ्री इंटू फोर इंटू फाइव प्लस वन अपान, यहाँ पे के रखेंगे तो के इंटू के प्लस वन के प्लस टू दिस इक्वल टू, यहाँ पे हम लोग एन की जगह के रखेंगे तो के इंटू के प्लस थ्री अपान फोर इंटू के प्लस वन के प्लस टू, इसको हम लोग समीकरण नंबर एक मान लेते हैं। अब हमको क्या सिद्ध करना है कि एन बराबर के प्लस वन के लिए सत्य है। अब हमें सिद्ध करना है कि एन बराबर के प्लस वन सत्य है, यानी एन बराबर के प्लस वन, इसका मतलब कि पी के प्लस वन हमारा क्या होगा, एन की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, के प्लस वन। तो पी के प्लस वन हमारा होगा वन अपान वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस वन अपान टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस वन अपान थ्री इंटू फोर इंटू फाइव वन अपान, अब एन की जगह पे हम लोग के प्लस वन रखेंगे, तो यहाँ पे के प्लस वन हम लोग रखेंगे तो पहला पद हो जाएगा हमारा के प्लस वन, और फिर यहाँ पे के प्लस वन रखेंगे तो एक प्लस वन पहले से है तो के प्लस टू हो जाएगा, और यहाँ पे के प्लस वन रखेंगे तो ये के प्लस थ्री हो जाएगा। तो वन अपान के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री, और यहाँ पे हम लोग एन की जगह पर क्या रख देते हैं, के प्लस वन, तो ये हमारा हो जाएगा के प्लस वन और एक के प्लस वन प्लस थ्री अपान फोर इंटू के प्लस वन प्लस वन इंटू के प्लस वन प्लस टू, ये हमारा हो गया। यहाँ पे हम लोगों ने क्या रख दिया, एन की जगह पर के प्लस वन, तो ऊपर हो गया के प्लस वन। अच्छा, इसको थोड़ा सा और हम लोग सॉल्व कर लें तो ये हमारा के प्लस वन और ऊपर हो जाएगा के प्लस फोर, या इसको हम इसी तरीके से लिखा रहने देते हैं, हमको के प्लस वन और एक के प्लस वन प्लस थ्री अपान फोर इंटू के प्लस वन प्लस वन और के प्लस वन प्लस टू, ये ब्रैकेट में, ये हम लोग इसी तरीके से लिखा रहने देते हैं। यही हम लोग लाएंगे कि के प्लस वन इंटू के प्लस वन प्लस थ्री एक ब्रैकेट में अपान फोर इंटू के प्लस वन एक ब्रैकेट में और के प्लस वन प्लस टू, तो ये हमारा क्या है, पी के प्लस वन। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री दिस इक्वल टू। अब हम लोग क्या करेंगे कि एन बराबर के वाला लेके चलेंगे और पी के प्लस वन का अंतिम पद हम लोग क्या करेंगे, उसके दोनों पक्षों में जोड़ देंगे। तो समीकरण एक हम लोग लेके चलते हैं, समीकरण एक हमारा क्या है, समीकरण एक समीकरण एक से समीकरण एक हमारा है वन अपान वन इंटू टू इंटू थ्री टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस थ्री इंटू फोर इंटू फाइव वन अपान के के प्लस वन के प्लस टू दिस इक्वल टू के इंटू के प्लस थ्री अपान फोर के प्लस वन के प्लस टू। अब इसके दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, एन बराबर के प्लस वन वाले का अंतिम पद जोड़ देंगे। तो दोनों पक्षों में हम लोग क्या लिखेंगे कि वन अपान के प्लस वन दोनों पक्षों में वन अपान के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री जोड़ने पर, तो ये हमारा हो गया वन अपान वन इंटू टू इंटू थ्री प्लस वन अपान टू इंटू थ्री इंटू फोर प्लस वन अपान थ्री इंटू फोर इंटू फाइव
तो ये लास्ट में हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं, जो जोड़ना है वन अपान के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस थ्री, और दाया पक्ष हमारा हो जाएगा के इंटू के प्लस थ्री अपान फोर के प्लस वन के प्लस टू, तो हमारा पहले से है और जो हम लोगों ने जोड़ा है इस साइड भी वही जोड़ेंगे, यानी वन अपान के प्लस वन के प्लस टू और के प्लस थ्री। ये हमारा क्या लिखा है, के प्लस थ्री। अब बायां पक्ष तो हमारा बन ही गया जो पी के प्लस वन है, दायां पक्ष को हमको थोड़ा सा एडजस्ट करना है। अब हम लोग दाएं पक्ष में जो है थोड़ा सा चेंज करते हैं, जिससे हमको क्या पता चल जाए कि पी के प्लस वन हमको पता चल जाए। तो अब हम लोग क्या करते हैं, के प्लस वन और के प्लस टू यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं, वन अपान के प्लस वन इंटू के प्लस टू जो है कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा के इंटू के प्लस थ्री बाई फोर प्लस, और यहाँ हमारा क्या बचेगा वन बाई के प्लस थ्री। तो ये बायां पक्ष तो हमारा सीधा ऐसे ही चलेगा, वन अपान के प्लस वन के प्लस टू के प्लस थ्री। अब हम लोग जो है इसको और सॉल्व करते हैं, वन अपान के प्लस वन इंटू के प्लस टू हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें तिरछा गुणा कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा के इंटू और के प्लस थ्री से गुणा करेंगे इसमें, तो के प्लस थ्री पहले से है तो के प्लस थ्री का होल स्क्वायर, और प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा फोर प्लस फोर, और नीचे हमारा क्या हो जाएगा फोर इंटू के प्लस थ्री। अब इसी को लेके हम लोग चलते हैं, ये हमारा क्या हो गया वन अपान के प्लस वन के प्लस टू, और इसको हम लोग क्या करते हैं के प्लस थ्री का होल स्क्वायर ओपन कर देते हैं, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो के स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर नो प्लस टू ए बी, यानी टू इंटू थ्री इंटू के यानी सिक्स के, ये हमारा इसमें के से गुणा है और बाकी बाहर फोर है, फोर इंटू के प्लस थ्री, ये हमारा ब्रैकेट बंद। अब हम लोग के से क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही लेके चलते हैं वन अपान के प्लस वन के प्लस टू। अब हम लोग के से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये के क्यूब प्लस सिक्स के स्क्वायर हम लोग लिख लेते हैं, ये वाले टर्म को पहले लिख देते हैं, प्लस नाइन के प्लस फोर अपान फोर इंटू के प्लस थ्री, ये यहाँ तक हम लोग पहुँचे। अब इसमें आगे हम लोग करते हैं थोड़ा सा इसी को बढ़ाते जाते हैं, दिस इक्वल टू ये हमारा क्या है वन अपान के प्लस वन के प्लस टू, और जो है यहाँ पे जो है हम लोग इसमें क्या करते हैं, ये हमारा जो है के क्यूब प्लस सिक्स के स्क्वायर प्लस नाइन के प्लस फोर, इसको कुछ हम लोग ऐसा करते हैं फैक्टर करने की कोशिश करते हैं कि हमारे जो है के प्लस वन के प्लस टू, और हमको यहाँ पे लाना क्या है इस टाइप का लाना है के प्लस वन और के प्लस फोर अपान फोर के प्लस टू के प्लस थ्री। तो चलिए इसको जो के क्यूब प्लस
सिक्स के स्क्वायर को हम लोगों ने टू के स्क्वायर, सिक्स के स्क्वायर को हम लोग टू के स्क्वायर प्लस फोर के स्क्वायर लिखते हैं, तो ये टू के स्क्वायर यानी के क्यूब प्लस टू के स्क्वायर प्लस प्लस के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या बचा, टू के क्यूब तो खत्म हो गया, टू के स्क्वायर लिखे हैं तो हमारा बचा फोर के स्क्वायर प्लस, और नाइन के था तो एट के लिख दिया, तो प्लस हमारा क्या बचा एट के प्लस फोर, फोर के स्क्वायर प्लस एट के प्लस फोर अपान फोर इंटू के प्लस थ्री, दिस इक्वल टू वन अपान के प्लस वन के प्लस टू इंटू अब यहाँ से हम लोग के क्यूब प्लस टू के स्क्वायर प्लस के है, अगर यहाँ से हम लोग के कॉमन कर लें तो ये के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन हो जाएगा, और प्लस यहाँ से अगर फोर कॉमन कर लें तो के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन हो जाएगा अपॉन फोर इंटू के प्लस थ्री, ये वन अपॉन के प्लस वन के प्लस टू। अब यहाँ से हम लोग ऊपर नीचे, सॉरी ऊपर नीचे क्या, इसमें दोनों से के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो यहाँ क्या बचेगा के, और यहाँ क्या बचेगा प्लस फोर अपॉन फोर इंटू के प्लस थ्री। अब हमारा के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन हमारा क्या है, ये के प्लस वन का होल स्क्वायर है, तो ये वन अपॉन के प्लस वन इंटू के प्लस टू इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू के प्लस फोर अपॉन फोर इंटू के प्लस थ्री। अब एक जो है के प्लस वन कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा यहाँ पे के प्लस टू, और ऊपर क्या बचा के प्लस वन इंटू के प्लस फोर, और नीचे हमारा क्या है फोर इंटू के प्लस थ्री। तो सिंपली ये हमारा के प्लस वन का होल स्क्वायर से एक के प्लस वन कट गया, तो यहाँ क्या बचा ऊपर के प्लस वन इंटू के प्लस फोर, नीचे क्या बचा बचा के प्लस टू इंटू फोर इंटू के प्लस थ्री। और अब हमको जो लाना था वो हम लोग देखें, वही हमारा आ गया। तो लाना क्या था देखिए, पी के प्लस वन का हमारा क्या था, ऊपर क्या होना चाहिए के प्लस वन इंटू के प्लस वन प्लस थ्री, तो ऊपर हमारा हो गया एक ब्रैकेट में के प्लस वन, और अगले ब्रैकेट में के प्लस फोर है, तो इसको हम लोग के प्लस वन प्लस थ्री लिख सकते हैं, क्योंकि के प्लस फोर लिखा हो या के प्लस वन प्लस थ्री बात एक ही है। अपान यहाँ पे नीचे क्या है फोर होना चाहिए, एक गुणज में फोर हमारा है, फोर इंटू के प्लस वन प्लस वन, यानी इसके के प्लस टू को हम लोग क्या लिख देते हैं के प्लस वन प्लस वन, तो एक ब्रैकेट में हमारा के प्लस वन हो गया, और एक ब्रैकेट में क्या चाहिए के प्लस वन प्लस टू, तो के प्लस थ्री को हम लोग क्या लिख देते हैं के प्लस वन प्लस टू। तो ये हम लोगों का वही बन गया, देखिए ऊपर के प्लस वन इंटू के प्लस फोर को हम लोगों ने क्या लिख दिया के प्लस वन प्लस थ्री, और अपान के फोर तो है ही, के प्लस टू को के प्लस वन प्लस वन, और के प्लस थ्री को के प्लस वन प्लस टू। तो ये हमारा क्या पता चल गया कि ये हमारा आ गया पी के प्लस वन, पता चल गया कि पी के प्लस वन क्या है सत्य है। अतः सभी एन बिलोंग टू एन के लिए दिया गया कथन क्या होगा सत्य होगा। तो इसमें एक स्टेप हमारा थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है, ये हमारा जो स्टेप है कि हम लोग के प्लस वन को कैंसिल करना चाहते हैं नीचे से, ऊपर के प्लस वन का होल स्क्वायर बनाना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि के प्लस वन हमारा जो है नीचे नहीं है पी के प्लस वन में, तो के प्लस वन ये हटाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि के प्लस वन का होल स्क्वायर बनाने की या के प्लस वन यहाँ पे लाने की कोशिश की, तो के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन हम लोगों ने थोड़ा ऐसा एडजस्ट किया कि के कॉमन करने के बाद यानी के क्यूब प्लस टू के स्क्वायर प्लस के को अलग कर लिया, के क्यूब प्लस टू के स्क्वायर प्लस के को अलग कर लिया, और बाकी जो बचा हम लोगों ने उसको अलग कर लिया, तो यहाँ से हमारा के प्लस वन का होल स्क्वायर दोनों से कॉमन आ जाता है। यही स्टेप हमारा थोड़ा सा अच्छा है, बाकी तो सारे तरीके हमारे वही के वही हैं।